नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप टमाटर की देख रहे हैं और सोलन सब्जी मंडी की आप रौनक देख सकते हैं। आज बड़ी संख्या में किसान, खरीदार और कारोबारी यहां पर सब्जियों की खरीद के लिए पहुंचे हुए हैं, सब्जियों को बेचने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सब्जियों में आज काफ़ी उतार चढ़ाव, बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विशेषकर गोभी में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, गोभी 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। यदि हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर के दामों में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आज देखने को नहीं मिला है। नासिक का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में 580 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जबकि लोकल टमाटर मंडी में अभी 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका, लेकिन लोकल टमाटर के दाम नासिक के टमाटर से ज़्यादा आगे निकले हुए हैं। 600 रुपये दाम लोकल टमाटर के सोलन सब्जी मंडी में बने हुए, अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर है वो मंडी में 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं नासिक के टमाटर की, और नासिक का टमाटर अच्छी क्वालिटी का सोलन सब्जी मंडी में, नासिक का टमाटर अच्छी क्वालिटी का सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त 580 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से दाम बिक रहे हैं। और टमाटर के दामों में जिस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में टमाटर के दामों में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से टमाटर के दामों में दाम जरूर गिरे हैं। एक समय 850 रुपये तक टमाटर मंडी में 4 दिन पहले पहुँच गया था, लेकिन अब टमाटर के दाम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। नासिक के टमाटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, उतनी बेहतर क्वालिटी का टमाटर यहाँ पर इस वक्त नहीं है, लेकिन 580 रुपये के हिसाब से टमाटर मंडियों में बिक रहा है। लेकिन लोकल टमाटर आज जो सुबह सुबह मंडी में पहुँचा था वो 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से लोकल टमाटर बिका है। बसाल से जो साथ लगता क्षेत्र है बसाल का, वहाँ से जो टमाटर आया था वो 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिका था, लेकिन करसोग के टमाटर के दाम इस वक्त अच्छे जा रहे हैं। 650 रुपये तक करसोग का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में अच्छी क्वालिटी का बिका है। और टमाटर के दामों में थोड़ी पिछले 2-3 दिनों में गिरावट जरूर देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय 850 रुपये तक टमाटर के रेट पहुंच गए थे, लेकिन अब टमाटर के जो भाव है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। 580 रुपये नासिक का टमाटर, पिछले 2-3 दिनों से नासिक के टमाटर के 580 रुपये दाम बने हुए हैं। करसोग का बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त टमाटर पहुंच रहा है, और करसोग का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में 650 रुपये प्रति क्रेट तक बिक रहा है। करसोग के टमाटर के दामों में थोड़ी तेज़ी ही कहेंगे, हालांकि तेज़ी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि करसोग बहुत दूर है और दूर से यहां पर टमाटर की आपूर्ति हो रही है, तो परिवहन खर्चा भी काफ़ी अधिक हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों करसोग के टमाटर के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, विशेषकर जो बरसात का सीज़न में जब शुरुआत हुई थी, तो तब से टमाटर के दाम लगातार गिरते जा रहे थे, लेकिन अब टमाटर के दामों में थोड़ी सी तेज़ी देखने को जरूर मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। एक वक्त टमाटर का रेट 350 रुपये प्रति क्रेट था, और औसत रेट की बात करें तो औसत रेट टमाटर का 200 से 250 रुपये प्रति क्रेट था। लोकल टमाटर अभी 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिका है, कल 650 और 700 रुपये के बीच में था, लेकिन आज भी इसी तरह के दाम रहेंगे। अच्छी क्वालिटी का जब टमाटर को
चंडीगढ़ के व्यापारी खरीदेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में चंडीगढ़ के व्यापारी सोलन सब्जी मंडी में टमाटर की खरीद के लिए आ रहे हैं, विशेषकर लोकल टमाटर की खरीद के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ में जो डिमांड है वो लोकल टमाटर की बहुत अधिक है। और यही वजह है कि चंडीगढ़ के बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर सब्जी मंडी में आते हैं, और टमाटर के दामों में जब उनके बीच में एक कॉम्पिटिशन चलता है तो उसके कारण टमाटर के दाम जरूर बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, टमाटर की क्योंकि त्योहारी सीजन चला हुआ है, टमाटर के दामों में त्योहारी सीजन है, टमाटर की डिमांड इस वक्त बहुत अधिक है, और यही वजह है कि टमाटर के दामों में थोड़ी तेजी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है। एक समय ऐसा था कि टमाटर के जो रेट थे वो 300-350 रुपए के बीच में बने हुए थे, उसके कारण किसान काफ़ी परेशान भी थे, किसानों ने यहाँ तक कि छिड़काव करना, कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करनी बंद कर दी थी। उनका कहना था कि जो दवाइयों का खर्चा है वो अभी पूरा नहीं हो रहा है, और अभी हमारे साथ सिरमौर के जो किसान जुड़े थे तो उनका भी यही मानना था, उमेश जी, तो उनका भी यही मानना था कि अब जो गोभी के दाम लगातार गिर रहे हैं तो उसके कारण अब उन्हें अपना खर्चा पूरा करना भी मुश्किल हो रहा है। यही स्थिति किसानों की भी, जब टमाटर के आप देख रहे हैं, टमाटर के खरीदार लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। टमाटर के दामों में आप देख रहे हैं कि थोड़े पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है, 850 रुपए तक टमाटर का रेट 4 दिन पहले पहुंच गया था, लेकिन अब टमाटर के रेट फिर से गिरने शुरू हुए हैं, 600-650 रुपए के आसपास लोकल टमाटर बिक रहा है। बहुत कम क्रेटें ऐसी हैं जो 700 रुपए के आसपास सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। और सब्जियों के टमाटर के क्या रेट रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास जी भी हैं, और हम उनसे जानेंगे भी कि आज सब्जियों के क्या भाव रहे हैं, टमाटर का किस रेट सोलन सब्जी मंडी में बिका है, क्योंकि जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो उन्हें जानकारी भी नहीं होगी कि आज सोलन सब्जी मंडी में किस भाव सब्जियां बिकी हैं। लेकिन गोभी का हम बता दें, बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में गोभी पहुंची हुई है, 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह गोभी सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। बड़ी गोभी में इस वक्त ज़बरदस्त मंदी देखने को मिली है, शिमला मिर्च 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, और फ्रांस बीन के दाम भी 44-45 रुपए के आसपास बने हुए हैं, और गोभी 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। टमाटर के हमने बताया कि नासिक का टमाटर 580 रुपए हैं, लोकल टमाटर के रेट 500 रुपए से लेकर 650 रुपए के बीच में बने हुए हैं, और हरा धनिया 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा, जबकि मेथी के जो रेट हैं वो इस वक्त 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मेथी बिक रही है। घिया आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घिया सोलन सब्जी मंडी में, और गाजर, लाल गाजर 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रही है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और बड़ी संख्या में दर्शकों का नित्यानंद निटू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचे हुए हैं, कारण है कि कल सोमवार है और सोमवार को मंडी बंद रहती है, और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो खरीदार है आज सब्जी खरीद रहे हैं। और विकास जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनसे जानेंगे सब्जियों के और टमाटर के धन्यवाद जी। अभी 500 रुपए सब्जियों में आज टमाटर के क्या दाम रहे हैं? टमाटर बिका जी लोकल 500 रुपए बिका, और ये नासिक वाला 580 रुपए बिका, बाकी सब्जी बहुत डाउन है, किसी भी चीज का कोई रेट नहीं है सिवाय लहसुन के, लहसुन थोड़ा तेज बिक रहा, और थोड़ा प्याज आपको पता ही है कि 48-40 रुपए तक बिक रहा है प्याज, और बाकी सारी सब्जी डाउन है, 20 रुपए किलो, अंडर 20 के नीचे सारी सब्जी है। अब लगा लो आप साहब, इतना बंदा गोभी 5 रुपए किलो बिक रही है, बंद गोभी बिक रही, आज बंद गोभी कम आई थी तो आज 500-600 रुपए कट्टा बिक गया, वैसे आज थी नहीं बंद गोभी ना, कम आई थी, कल बिकी थी 300-400-250 बस ऐसा, आज बंद गोभी नहीं थी तो थोड़ी सी बंद गोभी 600-700 रुपए बिकी, बाकी सारी सब्जी डाउन है। शिमला मिर्च बिक रही आपकी 35-40 रुपए किलो, सब्जियों में जो महंगी सब्जी है थोड़ी सी 35-40 रुपए किलो शिमला मिर्च बिक रही, और अरबी बिक रही 30 रुपए, अदरक बिक रहा 100-110 रुपए, और ये सारी सब्जी तोरी भिंडी बैंगन बैंगनी कद्दू सारे 15-18 रुपए किलो तक के। और मटर आपका, मटर में तेजी है, मटर 110-115 रुपए किलो है, बढ़िया मटर। लहसुन आपका 90-100 रुपए से लेके 160-170 रुपए तक,
हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। और विकास जी हमारे साथ जुड़े हैं और विकास जी ने बताया कि इस वक्त टमाटर मंडी में 580 रुपए प्रति क्रेट बिका है। टमाटर के दाम आप देख रहे हैं 580 रुपए प्रति क्रेट। नासी का टमाटर है, लोकल टमाटर में भी इसी तरह के भाव बने हुए हैं। 500 से 650 रुपए प्रति क्रेट लोकल टमाटर बिक रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो खरीदार है वो सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहे हैं और चंडीगढ़ से टमाटर की खरीद के लिए आ रहे हैं। लेकिन टमाटर के जो इस वक्त रेट हैं, बीन में आज थोड़ी मंदी है। जो बीन अभी बिकी है वो 38 रुपए के आसपास है, हालांकि पहले 45 रुपए का रेट खुला हुआ था। तो इस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। और कृतिका जी, जो टमाटर इस वक्त आप देख रहे हैं नासिक का टमाटर है और जो 580 रुपए प्रति क्रेट के हिसाब से बिका है, लोकल टमाटर 500 से 600 रुपए के, 650 रुपए के बीच में लोकल टमाटर के भाव बने हुए हैं सोलन सब्जी मंडी की। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं, टमाटर के भाव में थोड़ी गिरावट भी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों लोकल टमाटर 850 रुपए प्रति क्रेट बिक रहा था। और पूरा सीजन यदि हम बात करें टमाटर की, पूरे सीजन जब बरसात का सीजन शुरू हुआ था तो बरसात के सीजन में टमाटर के दामों में गिरावट देखने को मिली थी। 15 अगस्त के बाद टमाटर के भाव गिरने शुरू हुए थे, जो क्रम अभी तक जारी है। बीच में थोड़े दिनों के लिए टमाटर में तेजी देखने को जरूर मिली, लेकिन अब टमाटर के भाव फिर से एक बार फिर से गिरने शुरू हो गए हैं। सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे थे। और मंडी में आज नासिक का टमाटर का भाव 580 रुपए बना हुआ है। लोकल टमाटर जो सुबह सुबह बिका है वो 500 रुपए प्रति क्रेट बिका है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बोलियां लगती है और लोकल टमाटर बड़ी मात्रा में पहुंचता है तो 650 रुपए तक, क्योंकि सरसों का मटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और उसकी क्वालिटी जो है वो काफी बढ़िया और अच्छी क्वालिटी का टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। लेकिन गोभी में आज जबरदस्त मंदी देखने को मिली है, 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोभी सोलन सब्जी मंडी में बिकी है। फ्रास बंद गोभी में थोड़ी तेजी जरूर थी, कारण था कि बंद गोभी बहुत कम मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंची है और 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो बिकी है। जबकि प्याज के दामों में तेजी भी है और थोड़ी मंदी भी आ रही है। एक नासिक का प्याज इस वक्त मंडी में 38 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, जबकि लाल प्याज 44 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। अलवर के प्याज में तेजी देखने को मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शलगम आज 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका। नीलू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। शलगम 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका है। हरा धनिया 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। और मेथी 2500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, खीरा 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सोलन सब्जी मंडी में सब्जियों में आज, बाकी सब्जियों में आज गिरावट देखने को मिली है। 20 रुपए से नीचे तकरीबन सभी सब्जियों के रेट है, लेकिन फ्रांस बीन शिमला मिर्च जो लोकल इस वक्त आ रही है वो उनके दाम 30 रुपए से ऊपर अभी बने हुए हैं। मटर में तेजी है, 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। मशरूम की बात करें तो 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मशरूम सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। तो सब्जियों में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।